सो दैट की ब्लॉक हमारा जो है मूवस टूगेदर इन जो दोनों ब्लॉक है देखो एक हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव के जी मास है एक हमारे पास फोर पॉइंट फाइव के जी मास है दोनों ब्लॉक है तब जहा दो ब्लॉक कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट पे देखो हमारे पास क्या कॉफिस ऑफ फ्रिक्शन गिवन इस सर्फेस में, में देखो, गिवन, उसकी वैल्यू कितनी है थ्री बाई सेवन इट मीन इनके बीच में इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो दूसरा जो हमारे पास मास था है जी उस पर हमने एक मैक्सिमम फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में ठीक इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बतानी थी सो so दैट कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करे इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो क्लियर हो गया तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या टू ब्लॉक सिस्टम है ठीक अगर इस पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम मान ले तो इस तरह से हम कहा से स्टार्ट करते हैं स्टेप वन हमारा क्या होता है कॉमन एक्सेन फाइंड आउट करना तो यहाँ से पहले हम कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन में गिवन है हमें यहाँ से क्वेश्चन में ये लिख के एक लाइन सच दैट ब्लॉक मूव्स टुगेदर क्वेश्चन बिल्कुल आसान कर दिया अगर ये ना लिखा होता तो हम कंडीशन चेक करते कॉमन एक्सेलरेशन लगाते फिर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करते तो वहाँ से हम चेक करते बट यहाँ पे लिखा है कि मूव्स विथ Uh, moves together moves together मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी हमारे पास रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा इट मींस कि अगर मान लेते कि ये एक्सेलेरेशन से ये मूव कर रहा है तो अगर दोनों एक साथ मूव हैं तो हमारे पास जो ये ऊपर वाला ब्लॉक था उसका भी एक्सेलेरेशन सेम यही रहेगा क्लियर हो गया तो यहाँ से अगर हम मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो f मैक्स इक्वल्स टू मूव टुगेदर के केस में हमारे पास देखो m1 plus m2 m1 plus m2 इंटू कॉमन एक्सलेशन क्या हो जाता है हमारे पास ए क्योंकि मूव्स टुगेदर में दोनों बॉडी सेम एक्सलेशन से मूव करेंगे अगर दोनों का एक्सलेशन अलग अलग हो गया तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा तो वो दोनों हमारा एक साथ मूव नहीं कर सकते क्लियर हो गया तो इस तरह से यहाँ पे हमें सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था दोनों मूव टुगेदर कर रहे हैं इट मीन दोनों का जो एक्सेलेशन होगा दोनों ब्लॉक का वो हमारा सेम होगा एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे अगर ये ब्लॉक हमारा इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये भी छोटा वाला ब्लॉक जो इसको ऊपर रखा गया था उसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे तभी दोनों एक साथ मूव कर सकते थे यही हमारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया अब यहाँ पे देखो कॉफिसेंट ऑफ फ्रिक्शन था इट मीन्स की जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमेशा क्या रिलेटिव मोशन को कम करने की कोशिश करता है हमारा जो बड़ा वाला ब्लॉक है आगे जाने की कोशिश करेगा ठीक बड़ा वाला ब्लॉक है तो आगे जाने की दो पॉइंट ले लो तो यहाँ पे देखो ये हमारा इस हमारे फ्रिक्शन फोर्स बड़े वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा होगा तो छोटे वाले ब्लॉक में जीरो पॉइंट फाइव पे, पे फ्रिक्शन फोर्स हमारा आगे की तरफ इस डायरेक्शन में लग जाएगा तो कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं दो पॉइंट ले लो दोनों ब्लॉक पे दोनों जो कॉन्ट्रेक्ट सर्फेस के बिल्कुल पास ठीक इस तरह से देखो एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बिल्कुल पास है तो देखो ये बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स आपने लगाया तो ये हमारा ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर पीछे की तरफ लगेगा इस कॉन्ट्रेक्ट सर्फेस पे जो हमारे पास बड़ा वाला

वो हमारा एफ एफ था थी? और उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और इसका हमें मास हमने मान रखा है एम ऑन ठीक तो यहाँ से अगर हम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करें तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास म्यू एन का इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना अब यहाँ पे देखो जो छोटा वाला ब्लॉक था इट मीनस जो हमारे पास एमओन ब्लॉक था वो अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा एम टू ब्लॉक पे ठीक तो यहाँ से उसका वेट एम जी का इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे देखो वेट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा एम जी एमोवन इन टू जी छोटा वाला ब्लॉक ब्लॉक बड़े वाले पे अपना वेट लगाएगा तो बड़ा वाला ब्लॉक एक्सन एंड अपोजिट डायरेक्शन तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा कौन लगाएगा कौन बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक टू एम इंटू जी के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो हमेशा याद रखिए नॉर्मल रिएक्शन किस मास की वजह से आएगा इस जीरो पॉइंट फाइव के जी मास की वजह से ठीक हम जल्दबाजी में फोर पॉइंट फाइव इंटू जी लिख देते हैं वो हमारा गलत हो जाएगा ठीक अब यहाँ पे देखो क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन लेना था तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा एक एक्शन होगा उसका रिएक्शन आएगा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको नॉर्मल क्यों बोला गया क्योंकि ये कॉन्टेक्ट सर्फेस के पारपेंडिकुलर था देखो ये कॉन्टेक्ट सर्फेस थी दोनों ब्लॉक यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर रहे थे जो नॉर्मल रिएक्शन है देखो तो इस के परपेंडिकुलर लग रहा है। इसी वजह से इसको नॉर्मल बोला गया और रिएक्शन क्यों बोला गया क्योंकि हमारा जो एम या था जो इस ब्लॉक का जीरो पॉइंट का जो वेट था डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका ही रिएक्शन था ऊपर की तरफ कॉन्टेक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर तो यहाँ से देखो अगर हम कहें फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास म्यू इंटू एन इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास एम ओन इंटू ए ठीक यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करोगे ए की वैल्यू ए हमारा कैलकुलेट कर लोगे आंसर हमें मिल जाएगा क्योंकि हमें ए ही एक अननोन था ठीक क्योंकि दोनों सेम उनके बीच में कोई भी हमारे पास रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है दोनों टुगेदर मूव कर रहे हैं इट मीन्स दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहा होगा अब यहाँ से ए आप कैलकुलेट कर लोगे आप तो सब कुछ पता ही चल गया Into N by क्या हो जाएगा के बीच में कितना था एन इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास एम ओन जी और यहाँ पे क्या है हमारे पास एम एम ओन से M1 हो गया इट मीन एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक कितना हमारे पास थ्री बाई सेवन जी तो हमारा जो छोटा वाला ब्लॉक था उसका एक्सेलरेशन कितना होगा थ्री बाई सेवन जी तो हमने कहा कि अगर दोनों मूव टुगेदर कर रहे होंगे तो बड़े वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन सेम होगा तो मैक्सिमम फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास देखो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो एम वन प्लस एम टू इन टू एम वन के वैल्यू हमें गिवन है देखो कितना जीरो पॉइंट फाइव ठीक जीरो पॉइंट फाइव एम टू की वैल्यू हमें गिवन फोर पॉइंट फाइव देखो एम टू जो हमारे पास बड़ा वाला मास था उसकी वैल्यू कितनी गिवन है फोर पॉइंट फाइव के जी एक्सलेशन आप कैलकुलेट कर चुके हो थ्री बाई सेवन जी क्लियर हो गया इसको आप सॉल्व करोगे देखो मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा हमारे पास एफ मैक्स इक्वल्स टू फाइव फोर पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव क्या हो जाएगा हमारे पास फाइव इंटू थ्री इंटू जी की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है नाइन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई सेवन ठीक तो यहाँ से इसको देखो तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो न्यूटन इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो न्यूटन यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठीक तो यहाँ से देखो मैक्सिमम फोर्स कितना ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो न्यूटन इट मीस ऑप्शन वन इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर